व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य हमने पढ़े थे, द्वितीय कार्य पढ़े थे जिसमें एजेंसी फंक्शन मुख्यतः पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है सामान्य उपयोगी कार्य या जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं जो कि व्यापारिक बैंकों द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस जो हैं हमारे सामान्य उपयोगी कार्य जो हैं वो आधुनिक व्यापारिक बैंक परफॉर्म करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती हैं, जैसे टू प्रोवाइड सेफ्टी लॉकर फैसिलिटी टू कस्टमर्स। जो लॉकर की सुविधा दी जाती है बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वो इसके अंतर्गत आती है। इसमें बैंक अपने ग्राहकों की जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं जैसे ज्वेलरी वगैरह या कोई वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उनको रखने के लिए विशेष प्रकार की छोटी तिजोरियां जिन्हें हम लॉकर्स भी कहते हैं, तो लॉकर सुविधा बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है। इसके साथ ही टू प्रोवाइड मनी ट्रांसफर फैसिलिटी, मनी ट्रांसफर फैसिलिटी भी बैंक द्वारा दी जाती है। मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा भी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है। आजकल बहुत फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर मतलब हम मुद्रा का हस्तांतरण या मनी ट्रांसफर बहुत तेजी से कम समय में कर सकते हैं। ऐसे मोड भी प्रचलित हैं जैसे RTGS, NEFT, ये सभी मनी ट्रांसफर फैसिलिटीज के सुविधाएं हैं। तो इसके अंतर्गत हम कम समय में मुद्रा को सुरक्षित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं। इसके अलावा टू इश्यू ट्रेवलर्स चेक, बैंक अपने ग्राहकों को यात्री चेक या लेटर ऑफ क्रेडिट साख प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं जिसके द्वारा यात्री जो भी अपनी यात्रा करते हैं कहीं भी ट्रेवलिंग पे जाते हैं तो उन्हें इस इनके माध्यम से नकद मुद्रा ज्यादा अपने साथ नहीं ले जानी पड़ती, वो यात्री चेक साख प्रमाण पत्र इनका काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के टू एक्सेप्ट वेरियस बिल्स फॉर पेमेंट सच एज फोन बिल्स, गैस बिल्स, वाटर बिल्स एटसेट्रा, ये हमने एजेंसी फंक्शन में भी पढ़ा था। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के बिलों के भुगतान संबंधी सुविधा भी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है। टू प्रोवाइड मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटी भी बैंक अपने कह सकते हैं अपने व्यापारिक ग्राहक मतलब मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटी में बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की स्टडीज की जाती हैं। और यदि किसी ग्राहक को व्यापार संबंधी कोई जानकारी चाहिए होती है, व्यापार संबंधी कोई गाइडेंस चाहिए होती है तो वो बैंक द्वारा इस सुविधा के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इसके साथ ही टू प्रोवाइड वेरियस कार्ड सच एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एटसेट्रा, बैंकों द्वारा ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के कार्ड जिन्हें हम प्लास्टिक मनी या स्मार्ट मनी भी कहते हैं वो जारी किए जाते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एटीएम कम डेबिट कार्ड है, जिनके माध्यम से जो भी ग्राहक है वो अनेक प्रकार के भुगतान कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, फास्ट मोड में कर सकते हैं और जब चाहे कर सकते हैं और नकद ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होती। तो वो रिस्क कैश ज्यादा कैरी करने का रिस्क भी इसमें नहीं होता है। लेकिन आजकल क्योंकि तरह तरह के ऑनलाइन फ्रॉड इनको बढ़ावा मिल रहा है तो इसमें कुछ विशेष सावधानी ग्राहक को रखनी होती है और ये सुविधा भी बैंक द्वारा दी जाती है। इसके साथ ही अदर फैसिलिटीज भी हम इसमें विभिन्न प्रकार की और सुविधाएं भी जैसे बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना अन्य व्यापारियों को देते हैं और आर्थिक स्थिति की जांच पड़ताल करके भी अपने ग्राहकों को सूचित करते हैं। वही मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटी में ही ये सुविधा आ जाती है। यदि ग्राहक चाहता है किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यापारी की आर्थिक स्थिति के संबंध में कोई इंफॉर्मेशन चाहता है तो बैंक जो उसने परमिशन दी है अपने बैंक को उसके अनुसार उसकी स्थिति की जानकारी अन्य ग्राहक या अन्य व्यापारी को दे सकता है। इसके साथ ही बैंक कंपनियों के शेयर्स, ऋण पत्रों के अभिगोपन, अंडरराइटिंग का कार्य भी करते हैं जिससे कंपनियों को पूंजी प्राप्त करने में सुविधा होती है।
यह शेयर्स जनता द्वारा यदि नहीं खरीदे जाते हैं तो बचे हुए शेयर स्वयं बैंक खरीद लेता है। ये भी मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटी का ही एक पार्ट है। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी किए गए ऋणों की बिक्री की व्यवस्था भी बैंकों द्वारा की जाती है। जब भी सरकार ऋण लेती है तो ऋण पत्रों की बिक्री भी वो बैंकों के माध्यम से कर सकती है, जिससे सरकार को सुविधा होती है। और ये सभी जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं तो बैंक के माध्यम से इजीली पूरी करके ऋण संबंधी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय चंदे जो होते हैं उनका संग्रह, जैसे बाढ़ पीड़ितों का कोष है या कोई भी सुरक्षा कोष है, ये सभी जो राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन होता है, राष्ट्रीय चंदे होते हैं, उनको संग्रह करने का कार्य भी बैंकों द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही बैंक अपने ग्राहकों को उपभोक्ता वस्तुएं जैसे गाड़ी या टू व्हीलर, फोर व्हीलर, रेफ्रिजरेटर या अन्य कोई भी उपभोक्ता सामान खरीदने के लिए भी बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाते हैं। और उस पे ब्याज दर भी बार बार जैसा जो सीजन है उसके अनुसार परिवर्तित की जाती है। इसके साथ ही बैंक एक विशेषज्ञ के समान अपने ग्राहकों को उनके धन तथा निवेश संबंधी मामलों में भी सलाह देते हैं। एज ए सलाहकार के रूप में भी बैंक अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं। तो ये सभी कार्य बैंक द्वारा सामान्य उपयोगी कार्य जो होते हैं उस श्रेणी में किए जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन है बैंक का क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण का कार्य। यह व्यापारिक बैंकों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे प्रोफेसर सेयर्स ने भी कहा है, बैंक्स आर नॉट मेयरली परवेयर्स ऑफ मनी बट इन एन इम्पॉर्टेंट सेंस दे आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मनी। मतलब केवल बैंक धन को सुरक्षित रखने या उसको हस्तांतरित करने के ही माध्यम नहीं है और उसके या रक्षक ही नहीं है, इसके साथ साथ वो मुद्रा के निर्माणकर्ता के रूप में भी कार्य करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन मतलब बैंक में जो हम पैसा जमा करवाते हैं, जो बैंक के पास जमा राशि होती है, बैंक की अंश पूंजी होती है, उसमें से एक फिक्स जो रिक्वायरमेंट्स केंद्रीय बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा जो रिजर्व रखने के इंस्ट्रक्शन बैंक को दिए जाते हैं उनको फॉलो करता है बैंक। उनको रखने के बाद भी यदि बैंक के पास राशि बचती है तो बैंक उससे ऋण देने का कार्य करता है और ये ऋण देने का प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो इस प्रकार जो बैंक ये ऋण या साख का निर्माण करते हैं उससे भी अर्थव्यवस्था का विकास या हम कह सकते हैं खुद का बैंकिंग का विकास भी बहुत अधिक होता है। तो इस प्रकार अधिक लाभ कमाने के लिए आधुनिक व्यापारिक बैंक जो हैं वो अपनी अंश पूंजी तथा जमा राशि की कुल मात्रा से अधिक ऋण देते हैं, जो उनके द्वारा साख का निर्माण करने पर ही पॉसिबल होता है। और इस प्रकार यदि हम कहें तो वास्तव में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का विकास बहुत कुछ बैंकों की साख निर्माण की शक्ति द्वारा ही संभव हुआ है। तो इस प्रकार व्यापारिक बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करके जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते हैं। इसके द्वारा उनको खुद को तो लाभ होता ही है, इसके साथ साथ जनता को भी अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं और अर्थव्यवस्था और देश के विकास में भी बहुत सहायता मिलती है।